Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा first chapter complete कर लिया है. Second chapter में हमने इसकी reading start कर दी है. ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे. आप इसके word meaning और इसको बहुत अच्छे से read कीजिएगा और word meaning लिखने के साथ साथ उनको learn भी कीजिएगा ताकि ये long time तक आपके mind में रहें. ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था last class में कि समानता क्या होती है, क्यों ये हमारी डेमोक्रेसी का सेंट्रल थीम है. हाँ जी, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से इक्वालिटी का क्या लेना देना है, मतलब उसने कैसे इक्वालिटी लाने में हेल्प की है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी के लिए क्या कहा है, ये सब हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, आज हम ये सब पढ़ लिया है. आज हम पढ़ेंगे, हाँ जी, एक इसने एग्जाम्पल लिया है. ये क्या है, हमारे आर्टिकल का यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ना पार्ट है, अंश है. ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ये, 15. हाँ जी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स में सब बातें कही गई हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग. ठीक है, जो हमें अधिकार दिए गए हैं उनके रिगार्डिंग. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लिया गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या है आर्टिकल 15 है, उसने क्या है इक्वालिटी के बारे में क्या लिखा गया है. ठीक है, दिस इज़ एन एक्सेप्ट, ये क्या है एक अंश है फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. किसका अंश है ये, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 का, विच एड्रेसेस इनइक्वालिटी, जिसने क्या है इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए उसके बारे में बताते हुए कहा है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन. ये कहता है कि कोई भी राज्य या कोई भी सरकार या कोई भी देश का कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता किसी भी नागरिक के प्रति इस बात के लिए कि वो किस धर्म से हैं, रेस से हैं, मतलब रेस होता है कि कौन से कलर वगैरह से रिलेटेड, कि गोरा है काला है. ठीक है, किस जाति से है, किस लिंग से है, कौन से स्थान पर उसका जन्म हुआ है, और किसी भी तरीके से वो क्या है उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता. ठीक है, सेकंड पॉइंट इसमें क्या दे रखा है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स बर्थ ऑफ प्लेस और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिजेबिलिटी लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्शन ऑन कंडीशन विद रिगार्ड टू. ये कहता है कि किसी भी नागरिक के ऊपर किसी भी जाति धर्म लिंग जन्म स्थान से रिगार्डिंग कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता. हाँ जी, पहले में तो बोल रखा था कि उनके साथ पक्षपात नहीं हो सकता, सेकंड में बोल रखा है कि उनके ऊपर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता. किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन यानी कि रोक नहीं लगा सकता, एसेस टू शॉप्स, किसी भी शॉप पे जाने के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट में जाने के लिए, होटल्स में जाने के लिए, या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर क्या है पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए स्थान है जैसे कि सिनेमा वगैरह हो गए. ठीक है, ये नहीं कह सकता कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम नहीं जा सकते, हर एक व्यक्ति को क्या है वहाँ पर जाने का अधिकार है. और क्या है, ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी किसी पर्सन को रोक नहीं सकता यहाँ पर जाने के लिए. ठीक है, और क्या बोल रखा है, द यूज़ ऑफ वेल टैंक्स बाथिंग घाट्स रोड्स एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक. हाँ जी, कोई भी ऐसा कुआ, कोई भी टैंक या कोई भी स्नान करने का घाट बोलते हैं ना, घाट पर जाना है. ठीक है, कोई भी सड़क या कोई भी ऐसा प्लेस जो कि क्या है गवर्नमेंट ने बनवाया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है या इस पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि जनरल पब्लिक उसको यूज़ कर सके. हाँ जी, आपने देखा होगा कि कई बार लोग ना वो वाटर कूलर लगवा लेते हैं. ठीक है, लगवा देते हैं और वो क्या है लोगों के पानी पीने के लिए होता है. ठीक है, अब वो क्या है जनरल पब्लिक के लिए लगाया गया है. ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति आकर किसी भी व्यक्ति को नहीं रोक सकता कि तुमको यहाँ पानी पीना नहीं है. हाँ जी, ये एक 15 आर्टिकल है जो कि हमारे संविधान में लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रंग जन्म और कास्ट के बेस पर क्या है कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता. सेकंड में कह रखा है कि उनको क्या है उनको उनके ऊपर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई जा सकती, ये कहकर कि आप कौन सी धर्म से हैं, कौन सी जाति से हैं या कौन से लिंग से हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा. अब ये कहता है कि वैसे तो हमारे इंडिया में बोल दिया कि इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी भी इनइक्वलिटीज़ हैं. आज हम पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज़ कैसे हैं. इनइक्वलिटीज़ इन डेली लाइफ, हम ऐसा मानता है हमारी डेली लाइफ में. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारी डेली लाइफ में क्या अभी भी ऐसा मानता है इंडिया में है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव अस राइट टू इक्वलिटी, हमारे संविधान ने हमें क्या है समानता का अधिकार दिया है. यट दिस डज नॉट मीन द इनइक्वलिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, लेकिन इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि अब इनइक्वलिटी या फिर असमानता हमारे देश में नहीं रही.
हाँ जी, इसका मतलब क्या है? अभी भी असमानता हमारे देश में एग्जिस्ट करती है, विद्यमान है। एग्जिस्ट का मतलब होता है विद्यमान। इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में वी स्टिल फाइंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें हमें असमानता देखने को मिलती है। देयर आर ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, गरीबी रेखा से, ठीक है, पॉवर्टी होती है गरीबी, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, हुज डेली लिविंग्स एंड वर्किंग कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल। जिनकी जो डेली लाइफ है, जैसे वो डेली अपनी जीवन व्यतीत करते हैं और जैसा वो काम करते हैं, वो इक्वलिटी से बहुत दूर है। हाँ जी, कुछ लोग तो क्या है, एसी में बैठ के आराम से चेयर पे काम कर रहे हैं, कुछ बहुत सर्दी में, बहुत धूप में क्या है, काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनमें इक्वलिटी कहाँ है? दे हार्डली मैनेज टू स्क्वेयर मील्स इन अ डे। वो मुश्किल से दो समय का भोजन जुटा पाते हैं। दे हैव टू लिव इन स्लम एरिया। उनको गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। स्लम क्या होता है? गंदी बस्ती, ठीक है। दे कैन नॉट गेट फूड, मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटी। उनको क्या है, चिकित्सा की और शिक्षा की अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। दो द गवर्नमेंट प्रोवाइड सच फैसिलिटी एट चीप प्राइस। यद्यपि जो हमारी गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने बहुत सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाए हुए हैं, चीप का मतलब होता है सस्ता, यट दीज आर नाइदर इजली अवेलेबल और नॉर इक्वली गुड एवरीवेयर। ना तो वो उनको मिल पाती हैं, कई बार तो क्या मिल ही नहीं पाती, और मिल पाती हैं तो वो क्या है, हर जगह अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हैं, डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर समय पर होते ही नहीं है। मतलब जब ट्रीटमेंट करवाओ तो डॉक्टर एब्सेंट होते हैं या कैसे भी होते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर बुरा हाल है, ठीक है। तो इस तरीके से कहता है कि सस्ते प्रोवाइड करवाए हुए हैं, या तो वो अच्छे नहीं हैं, या अच्छे हैं तो वहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं हो पाते। ऑफन प्राय दे आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट फैसिलिटीज़। लेकिन वो क्या है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ जैसे अच्छे नहीं। हाँ जी, आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में आप कभी भी चले जाओ, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, सभी चीज़ें बहुत क्लीन होंगी, लेकिन वहीं पब्लिक हॉस्पिटल में यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सब नहीं मिल पाता, ठीक है। विच आर नॉट अफोर्डेबल फॉर द पुअर। लेकिन क्या है, वही अगर प्राइवेट जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन क्या है, वो बहुत महंगे होते हैं, तो गरीब लोग उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको क्या है, उनको वहाँ पर उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो जाति में इनइक्वालिटी है ना, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब असमानता है बहुत है, किस बेस पर, जाति के बेस पर। इट इज़ ए प्रीडोमिनेंट होता है सर्वाधिक, ठीक है, यह एक सर्वाधिक सामाजिक बुराई है, ठीक है। सोशल इविल, इविल का मतलब होता है बुराई, विच इज़ यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसकी वजह से एक बहुत भारी जनसंख्या में लोगों के साथ पक्षपात होता है। हाँ जी, इसका मतलब क्या है, इसकी वजह से, मतलब जाति के आधार पर जब हम भेदभाव करते हैं तो एक बहुत भारी अमाउंट में लोगों के साथ पक्षपात होता है। इट इज़ अ सोशल सिस्टम इन विच कम्युनिटीज और ग्रुप ऑफ पीपल आर प्लेस्ड इन सॉर्ट ऑफ लैडर वेयर ईच कास्ट इज इधर अबोव और बिलो द अदर। ये कहता है कि यह एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या है, लोगों को एक सीढ़ी पर बिठा दिया जाता है, जो क्या है, कास्ट के बेस पर बिठाया जाता है, जो कुछ लोग उसमें ऊपर बैठे होते हैं और कुछ में नीचे। हाँ जी, कैसे, अब हम पढ़ते हैं कैसे। ए सेक्शन ऑफ पीपल हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर। एक लोगों का समूह होता है जो अपने आप को क्या समझता है, सबसे सर्वोपरि समझता है, वो क्या है, ऊपर वाली लैडर पर बैठता है, यानी कि ऊंची सीढ़ी पर बैठता है। कॉल देम सेल्फ एज द अपर कास्ट, वो अपने आप को क्या बोलता है, हम उच्च जाति के हैं। हाँ जी, क्या होता है कि हम लोगों ने क्या है, लोगों ने खुद को ही एक सीढ़ियों पर बिठा रखा है, ठीक है। उस सीढ़ी में क्या रखा है कि जो ऊपर वाली सीढ़ी के लोग हैं वो तो क्या उच्च कास्ट के हैं, ऊंची जाति के हैं, और जो नीचे वाले लैडर पर बैठे हुए हैं वो क्या है, थोड़ा सा लोअर क्लास है, ठीक है। दीज पीपल रिगार्ड देमसेल्फ एज सुपीरियर, वो अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, कौन, अपर कास्ट वाले। ऑन द अदर हैंड दोज ग्रुप ऑफ पीपल, जबकि दूसरे ग्रुप के पीपल हु आर प्लेस्ड एट द लोअर लेवल ऑफ द लैडर, जो कि क्या है, सीढ़ी के नीचे वाले हिस्से पर आते हैं, आर कॉल्ड लो कास्ट, उनको क्या है, लो कास्ट का समझा जाता है। दीज पीपल आर सीन एज अनवर्दी बाय द अपर कास्ट, इन लोगों को जो क्या है, लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उनको अपर उच्च जाति के लोग क्या है, अयोग्य समझते हैं। अनवर्दी का मतलब होता है अयोग्य। सम ग्रुप हु आर एट द बॉटम लेवल ऑफ द कास्ट लैडर आर कॉल्ड अनटचेबल्स और दलित। हाँ जी, जो क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या है, नीचे वाले लैडर पर आते हैं, ठीक है, उनको क्या है, अछूत माना जाता है और उनको दलित भी कहा जाता है, ठीक है। दस दलित इज़ ए टर्म यूज्ड बाय द सो कॉल्ड लोअर कास्ट टू एड्रेस देमसेल्फ, ठीक है। उन्हीं को, जो दलित होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, लोअर कास्ट।
ठीक है। हाँ जी, मेरा कोई मकसद नहीं है, जैसा बुक में लिखा गया है वो बोल रही हूँ, तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा अगर कुछ गलत बोला है तो, ठीक है। दलित मीन्स ओप्रेस्ड, दलित का मतलब होता है उत्पीड़ित, ठीक है। दलित हैव बीन फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन इन मैनी फील्ड ऑफ एवरीडे लाइफ, ये कहता है कि जो दलित होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पक्षपात सहन करना पड़ता है हर रोज़ की लाइफ में, रोज़मर्रा उनको बहुत ज़्यादा पक्षपात सहन करना पड़ता है। दे वर एक्सक्लूडेड बाय अपर कास्ट पीपल, इनको क्या है बाहर निकाल दिया जाता है, जो उच्च जाति के लोग हैं उनके द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। दे कुड नॉट इवन यूज़ द पब्लिक फैसिलिटी, कई बार तो क्या है इनको पब्लिक फैसिलिटी भी नहीं दी जाती, ठीक है। द अपर कास्ट डिड नॉट गिव देम द सो कॉल्ड अनटचेबल्स एंड दलित द सेम राइट दैट दे इंजॉय देमसेल्फ, ये कहता है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो इन लोगों को वो समान अधिकार नहीं देते जो वो खुद इंजॉय करते हैं। हाँ जी, खुद तो वो बहुत अधिकार इंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके साथ क्या भेदभाव करते हैं। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट, हाँ जी, जो दलित होते हैं उनको क्या है उच्च जाति के लोगों के घर में एंट्री करने नहीं दिया जाता, और इवन एंटर टेम्पल्स, और कई बार तो इनको मंदिरों में भी जाने से मना कर दिया जाता है। इवन टुडे, यानी कि आज भी दी सिस्टम प्रेवल्स इन रूरल एरिया, अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ये सिस्टम चला आ रहा है। हाँ जी, आजकल इतना नहीं है कास्टिज्म, लेकिन जब पुराने हमारे दादा परदादा के ज़माने में ज़्यादा होता था, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ग्रामीण एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। स्पेशली इन द केस ऑफ मैट्रिमनी, मैट्रिमनी होती है विवाह संबंधी, जब कहे कोई विवाह संबंधी कोई बात होती है। द इश्यू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड्स ऑफ इवन हाईली एजुकेटेड अर्बन पीपल, जब क्या है कोई शादी वगैरह की बात होती है तब भी क्या है अभी भी लोगों के दिमाग में जाति से रिलेटेड क्या है बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, चाहे फिर वो पढ़े लिखे लोग हों शहरी लोग हों। हमने कहा ना कि गांव के लोगों के भी दिमाग में ज़्यादा होती है, नहीं, जब शादी वगैरह की बात आती है तब क्या है शहरों के एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा पीपल आर बींग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसिस ऑफ रिलीजन एंड द कल्चर, दे फॉलो द लैंग्वेज एंड द एसेंट दे स्पीक, देयर रिलीजन, द कलर ऑफ देयर स्किन एक्सेट्रा, ये कहता है सिर्फ जाति ही नहीं, जाति के बेस पर ही असमानता नहीं होती बल्कि और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण कह लोगों के बीच में असमानता है, जैसे कि उनका धर्म हो गया, उनका कल्चर जो वो फॉलो करते हैं, वो भाषा जो वो बोलते हैं, ठीक है, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं या जिस कलर के वो हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ जाति को ही नहीं कह सकते कि जाति के बेस पर इनको अलग अलग किया गया, और भी बहुत सारे आधार हैं जिनके कारण इनको अलग अलग समझा जाता है। When people are treated inequally, ये कहता है कि जब लोगों को असमान समझा जाता है, their dignity is violated, तो उनके गौरव का उल्लंघन होता है, dignity होता है गौरव, ठीक है, तो उसका उल्लंघन होता है। Dignity refers to sense of pride on in oneself. Dignity क्या होता है, एक व्यक्ति जब अपने ऊपर प्राउड गर्व महसूस करता है उसको बोलते हैं हम dignity, जब क्या है उनके साथ पक्षपात होता है तो उनकी dignity क्या होती है hurt होती है। हाँ जी, समझ आया आपको, हाँ जी, थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आई होप आपको समझ आया होगा, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।